हाय एवरीवन, वेलकम टू शकुंतलास लर्निंग। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही, आप लोगों को मास्टर्स करना है और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है, तो आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है CUT PG 2023। हर साल ये अपना एंट्रेंस एग्जाम DU खुद कंडक्ट करवाता था, लेकिन लास्ट ईयर इसने खुद कंडक्ट करवाया। इस साल से वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग तो NTA के भरोसे ही बैठेंगे और CUT PG के थ्रू ही एडमिशंस लेंगे। अगर आप लोगों को मास्टर्स करना है तो आपको एकमात्र एक ही एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है CUT PG 2023, जिससे आप ढेरों यूनिवर्सिटीज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें से टॉप यूनिवर्सिटीज आपकी आती हैं DU, JNU, BHU, HCU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, XYZC, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम में आती हैं। उसकी लिस्ट आप लोगों को मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा जैसे ही NTA अपना बुलेटिन रिलीज करता है। अभी ये एक रिलीज किया है, DU की तरफ से आया है। इसमें आप लोगों को आपका कोर्स का नाम लिखा हुआ है, DU ने अपना एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है वो रिलीज किया है कि आप लोग अपने कोर्सेज के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो जिस भी आप कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने वो चीज आप फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इस पेपर का पैटर्न लिखा होगा कि आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो इस चीज से ये भी एक साफ हो गया है कि DU के अंदर दोनों चीजें कंसिडर करी जाएंगी, आपकी डोमेन सब्जेक्ट भी और आपका पार्ट ए भी। JNU के अंदर सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट है वो कंसिडर किया जाता था, पार्ट ए के मार्क्स है वो कंसिडर नहीं किए जाते थे। तो इस बार से जो DU अभी CUT PG के थ्रू एडमिशन लेगा उसके अंदर पार्ट बी भी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि आपके कोड्स हैं, वो पेपर कोड्स हैं, वो चेंज कर दिए गए हैं। जैसे अभी ये देखो मैथमेटिक्स का कोड है, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो मैथमेटिक्स का कोड है, ये होता था हमेशा PGQP 27 और इसका अभी जो कर दिया वो है SCQP 19, ये कोड कर दिया। अभी तक इसकी ये NTA की तरफ से कुछ स्टेटमेंट है वो आया नहीं है कि अपने DU ने अपने खुद के लिए चेंज किए हैं या फिर सभी के लिए कोड है वो चेंज कर दिए गए हैं। आप लोगों को इसके अपडेट मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी कोड ही चेंज किया है तो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस आप लोग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से चेक कर सकते हो, साथ में अपना एग्जाम पैटर्न चेक कर सकते हो। टोटल 75 कोर्सेज आप लोगों को DU की तरफ से देखने को मिलेंगे MSc एंट्रेंस के लिए, साथ में BEd के लिए। तो आप सभी लोग इसमें एलिजिबल हो। ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम, अभी ये वेबसाइट पे आई नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। टोटल 75 कोर्सेज हैं हमारे पास यहाँ पर, जिसके अंदर BEd MEd वगैरह सब आ रखा है। अगर आप लोग MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे कोर्सेज भी बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, आप हमारे कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज की जो फीस है वो हमारे वो है आपकी 1000 से लेकर के 1500 तक इनकी फीस है, तो आप जाकर के इनरोल कर सकते हैं। सभी के लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए मस्त पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपने नए फेज में एंटर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब टू शकुंतलास लर्निंग, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कोर्सेज में इनरोल करना है तो कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।